नमस्कार, मेरा नाम जयेश कुमार शर्मा है और मैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के सत्र में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और जावास्क्रिप्ट एलिमेंट की मदद से हम अपने वेब पेज को किस तरह से इफेक्टिव बनाते हैं। तो आज के सत्र के जो उद्देश्य हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि अरे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सत्र शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले सत्र में भी हमने जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है वेब प्रोग्रामिंग में, इसके ऊपर हमने बात की थी और हमने देखा था कि हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग की मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इस सत्र में हम लोग एरे के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो हम जावास्क्रिप्ट में डिस्कस करेंगे वो एरे है। अरे एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो एक से ज़्यादा वैल्यू होल्ड कर सकता है। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करता है, यानी उसके अंदर हम एक ही वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक से ज़्यादा वैल्यू लेता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो एक ही टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए। इस चित्र में आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है जहाँ पहले फिगर के अंदर, पहले चित्र के अंदर तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं जावास्क्रिप्ट में, ब्रांच वन, ब्रांच टू और ब्रांच थ्री। ब्रांच वन में मैंने वैल्यू असाइन की है सी एस ई, ब्रांच टू में ई सी ई और ब्रांच थ्री में ट्रिपल ई, ई ई ई। अगर मुझे इन तीनों वैल्यू के साथ काम करना है तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर करूँ और तीन वेरिएबल के साथ फिर मैं अलग अलग डेटा को प्रोसेस करूँ। इसका मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि तीन वेरिएबल को इस्तेमाल करने की जगह मैं एक एरे वेरिएबल दे सकता हूं और उसके अंदर तीनों वैल्यू को एक साथ सेव करा सकता हूं, क्योंकि तीनों वैल्यू एक ही तरह की हैं, तीनों स्ट्रिंग हैं, तो इनके टाइप में कोई अंतर नहीं है। तो मैं एक एरे वेरिएबल नीचे डिक्लेयर किया है मैंने सेकंड सेक्शन में, वेयर ब्रांच। आपको याद होगा वेयर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है सी एस ई कॉमा ई सी ई कॉमा ई ई ई। इसका मतलब ये है कि मैंने ब्रांच नाम का एक एरे डिक्लेयर किया है जो कि सेम टाइप के यानी कि स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है और उसके अंदर मैंने तीन वैल्यूज़ डाल दिए हैं। जावा स्क्रिप्ट में अरे वैसे ही काम करता है जिस तरह से अरे का उपयोग बाकी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। तो अब देखते हैं कि अरे को हम जावा स्क्रिप्ट में क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिंटैक्स दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है इस चित्र में। सिंटैक्स के अंदर यहाँ दो सिंटैक्स लिखे हुए हैं। पहले सिंटैक्स के अंदर हम लोग लिख रहे हैं वेयर, एरे का नाम, जो नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ दे सकते हैं, इक्वल्स ब्रैकेट के अंदर आइटम वन कॉमा आइटम टू कॉमा आइटम थ्री। तो इसको अगर हम पिछली स्लाइड से देखेंगे तो पिछली स्लाइड में हमने यही सिंटैक्स यूज़ किया था एरे के लिए और इस सिंटैक्स की मदद से हमने एक एरे को डिक्लेयर किया था। इसी तरह से हमारे पास दूसरा सिंटैक्स होता है जिसका सिंटैक्स है वेयर एरे नेम, यहाँ आपका एरे का नाम आएगा, इक्वल टू न्यू एरे। ये न्यू एरे पिछले वाले सिंटैक्स में नहीं था और न्यू एरे के बाद आपको वो सारी वैल्यूज दे देनी है। तो हम लोग किसी भी सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं एरे क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। दोनों के एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर दो सिंटैक्स हैं, हम दोनों में से कोई भी सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट में एरे को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी और एग्जीक्यूशन स्पीड को ध्यान में रखते हुए पहला सिंटैक्स यूज़ करने की सलाह दी जाती है। आइए अब देखते हैं कि एक बार जब हमने एरे को क्रिएट कर दिया तो एरे के एलिमेंट जो हमने वैल्यूज उसमें डाली हैं, जिनको हम एलिमेंट कह रहे हैं, उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं, यानी कि अगर उन वैल्यूज़ को मुझे रीड करना है तो उन वैल्यूज़ को हम कैसे रीड करेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, यानी कि मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद हमने एक एरे डिक्लेयर किया है ब्रांच नाम का जिसके अंदर मेरे पास तीन वैल्यूज़ हैं, यानी कि तीन एलिमेंट्स हैं सी एस ई, ई सी ई और ट्रिपल ई। उसके बाद हमने लिखा है अलर्ट ब्रांच और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा जीरो। इसका मतलब क्या है? अलर्ट हमें एक मैसेज पॉपअप देता है, पॉपअप बॉक्स देता है जिसमें हम जो मैसेज चाहें वो दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा अगर कभी हम गलत वैल्यू एंटर करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो आती है जो बताती है कि आपके इनपुट में एरर है। तो इस तरह की विंडो हम अलर्ट कमांड की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। अलर्ट के साथ हमने ब्रांच ब्रैकेट में जीरो दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं ब्रांच एरे को एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन ब्रांच एरे में मेरे पास तीन एलिमेंट यानी तीन आइटम हैं। तो तीन आइटम में मैं कौन सा आइटम देखना चाहता हूँ ये वैल्यू मैं ब्रांच के अंदर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर जीरो दिया हुआ है। जीरो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि किसी भी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह
एरे की लोअर बाउंड हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो इस उदाहरण में क्योंकि हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स जो होगी सी एस की इंडेक्स जीरो होगी, ई सी ई की इंडेक्स वन होगी और ट्रिपल ई की इंडेक्स टू होगी। तो मैं यहाँ पर पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा है ब्रांच जीरो। अगर मैं तीसरा एलिमेंट एक्सेस करना चाहता तो मुझे यहाँ पर लिखना होता ब्रांच टू। जब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो उसका आउटपुट जो आएगा ब्रांच जीरो का आउटपुट आएगा सी एस ई। और क्योंकि मैं इसको शो करना चाहता हूँ यूज़र को अलर्ट कमांड के माध्यम से तो एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसके अंदर मुझे सी एस ई दिखाई देगा जो इस स्लाइड के राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी एरे को या एरे के एलिमेंट्स को या आइटम्स को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये बात हुई एरे के एक एलिमेंट यानी किसी एक आइटम को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर मुझे पूरी की पूरी एरे को ही एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? तो उस केस में आपको इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूरी एरे को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं मैंने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है ब्रांच नाम से, उसके अंदर वही तीन एलिमेंट हैं लेकिन अलर्ट के अंदर मैंने सिर्फ ब्रांच लिखा है। ब्रांच का मतलब है कि मैं पूरी एरे को एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करना नहीं चाहता। यानी कि जब आउटपुट आएगा तो जितने भी एलिमेंट इस एरे के अंदर हैं वो सारे के सारे मुझे दिखाई देने चाहिए। तो जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने एलिमेंट इस एरे के अंदर थे वो सारे हमें अलर्ट के बाद दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में हमें सी एस, ई सी और ट्रिपल ई तीनों दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पूरी एरे को एक्सेस किया है जबकि पुराने एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक एलिमेंट को ही एक्सेस किया था। अब हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन पर। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स की बात की थी तो ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट यूज़र एक्शंस या इवेंट को हैंडल करने के लिए बहुत यूज़ होता है और वो उसके महत्वपूर्ण कामों में से एक है। तो जब हम लोग किसी यूज़र एक्शन या इवेंट को हैंडल करते हैं, मान लीजिए किसी ऑन क्लिक इवेंट को हम हैंडल कर रहे हैं, तो ऑन क्लिक इवेंट पर मेरा एक जावास्क्रिप्ट कोड रन होना चाहिए। तो उसको हम कैसे रन करेंगे? तो जब भी हम इस तरह का कोई इवेंट हैंडल करते हैं तो हर यूज़र एक्शन के लिए या इवेंट के लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास जो सोर्स कोड या जो प्रोग्राम बार बार यूज़ हो रहा है उसको हम बार बार लिखने की जगह एक फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं और फंक्शन को हम जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें किसी फंक्शन को हम कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, तो इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, यानी कि मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने लिखा है फंक्शन, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स। फंक्शन एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जो ये बताता है कि एक नया फंक्शन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं और इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं किसी भी इवेंट के साथ। इस फंक्शन का नाम क्या होगा? तो यहाँ आपको नाम देना है फंक्शन नेम की जगह। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब हम कभी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें कई बार कुछ वैल्यूज़ फंक्शन के साथ पास करनी पड़ती हैं जिनकी मदद से फंक्शन अपनी प्रोसेसिंग करता है। वो हम पैरामीटर की मदद से या इनपुट पैरामीटर की मदद से फंक्शन को पास करते हैं। तो जितने भी पैरामीटर आपको पास करने हैं वो पैरामीटर के अंदर आप एक एक करके लिख सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से ही फंक्शन का अंत होता है। तो आपको जो भी फंक्शन का कोड लिखना है, यानी वो कोड जो आपका बार बार एग्जीक्यूट होना है या आपको किसी यूज़र एक्शन या इवेंट के ऊपर रन करना है, वो आपको इन दो ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है। तो फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसके साथ पैरामीटर्स और उसके बाद आपको लिखना है वो कोड जो आपको किसी इवेंट के माध्यम से रन कराना है। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ हमने दो नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया हुआ है, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन, प्रोडक्ट, फंक्शन एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जो ये बता रहा है कि मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम मैंने दिया हुआ है प्रोडक्ट और इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दिया है। फंक्शन के अंदर मैंने तीन वेरिएबल यूज़ किए हैं, वेर ए, क्योंकि वेर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ करते हैं, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी t1 डॉट वैल्यू। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन
ये कमांड हमें टेक्स्ट बॉक्स T1 के अंदर जो वैल्यू है वो हमें A के अंदर असाइन कर देगी। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो वैल्यू है वो मेरे पास वेरिएबल B में आ जाएगी। वेरिएबल C के अंदर हम दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करके रिजल्ट सेव कर रहे हैं और इसके बाद ये रिजल्ट मुझे यूज़र को डिस्प्ले कराना है। तो यूज़र को डिस्प्ले कराने के लिए मुझे जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, गुणा का रिजल्ट है, वो वापस रिटर्न करना होगा, क्योंकि मेन प्रोग्राम से मैं फंक्शन पर आया हूँ, फंक्शन में कैलकुलेशन की है, तो मुझे वापस मेन प्रोग्राम में जाके बताना होगा कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न, यानी कि जो हमने रिजल्ट निकाला है वो हम मेन प्रोग्राम को, मेन बॉडी को रिटर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है रिटर्न सी। उसके बाद अगर आप मेन HTML कोड देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक इक्वल टू अलर्ट प्रोडक्ट एंड वैल्यू इक्वल टू चेक। इसका मतलब क्या है, यानी कि हमने अपने HTML फॉर्म में एक बटन दिया है, जैसे ही यूज़र उस बटन को क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद दोनों टेक्स्ट बॉक्स से नंबर लिए जाएंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा और अलर्ट के माध्यम से वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए हमने ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया है बटन का। ऑन क्लिक इवेंट पे मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने वहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन का नाम था प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, वहाँ से जो वैल्यू आई वो अलर्ट के माध्यम से हमने डिस्प्ले कर दी। तो इस तरह से हम किसी भी इवेंट या यूज़र एक्शन को हैंडल करने के लिए, अगले चित्र में आपको दिखाई देगा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए थे। पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने वैल्यू 4 दी हुई है, दूसरे के अंदर हमने 5 दिया हुआ है, और जब मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो इनका मल्टीप्लिकेशन अलर्ट के माध्यम से मुझे दिखाई देता है, जो कि 20 है। अब हम लोग चलते हैं जावा स्क्रिप्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट की तरफ। जावा स्क्रिप्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पिछला एग्जाम्पल देखेंगे तो पिछले उदाहरण के अंदर हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए थे, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए थे। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमने वेरिएबल में असाइन की थी, उनका मल्टीप्लिकेशन किया था और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट को अलर्ट के माध्यम से यूज़र को डिस्प्ले किया था। लेकिन अब मैं उस रिजल्ट को अलर्ट के माध्यम से डिस्प्ले नहीं करना चाहता, मेरे पास एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है फॉर्म पर और मैं चाहता हूँ कि जो रिजल्ट आए वो तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में मुझे दिखाई देना चाहिए। तो उसको देखने के लिए मुझे जावा स्क्रिप्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा। आप इस प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है, फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं है मल्टीप्लिकेशन तक। वेयर सी इक्वल टू ए स्टार बी, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो अगली लाइन है रिटर्न करने से पहले एक और नई लाइन लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी T3 डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, यानी कि मेरे फॉर्म के अंदर, मेरे पेज के अंदर एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी है जिसका नाम है T3, और जो मेरा रिजल्ट जाना चाहिए वो इस T3 के अंदर जाना चाहिए। तो इस लाइन के माध्यम से हम लोग जो वैल्यू C आई थी, जो हमारा रिजल्ट था, उस वैल्यू को हम टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या क्या करता है और इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब इसको कॉल किया जाता है, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट की फंक्शन डेफिनेशन डेटा टाइप्स स्पेसिफाई नहीं करती हैं किसी पैरामीटर के लिए, टाइप चेकिंग नहीं होती है पास्ड आर्ग्यूमेंट के साथ जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट फंक्शन के पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक एरे की तरह यूज़ होता है जो कि आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करता है। इसमें हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को दे सकते हैं और ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को होल्ड करेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हमेशा बाय वैल्यू पास होते हैं, अगर हमें बाय रेफरेंस उसको पास करना है तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। आर्गुमेंट के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज फंक्शन के बाहर विजिबल नहीं होता है, उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही रहता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, शर्त यह है कि वो एक प्रिमिटिव नहीं होना चाहिए, प्रिमिटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। प्रिमिटिव वैल्यू क्या होते हैं? प्रिमिटिव वैल्यू वो होते हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी या मेथड नहीं होता है, उदाहरण के लिए स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। ऑब्जेक्ट्स वो वेरिएबल होते हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। आखिर में हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई उदाहरण में मैंने लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हर प्रोग्राम के अंदर मैंने ये लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब है
कि जो मेरा पूरा HTML डॉक्यूमेंट है जो मैंने फाइल बनाई है वेब प्रोग्रामिंग में, ये पूरी HTML फाइल एक डॉक्यूमेंट की तरह ही इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि पूरा HTML, उसके अंदर जितने हमने टैग्स यूज़ किए हैं या जो हमने कंट्रोल्स यूज़ किए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट का हिस्सा होंगे। किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है डॉक्यूमेंट के, तो मुझे सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही मैं किसी कंट्रोल या टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए हम लोग हर जगह लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर लिखते हैं एलिमेंट आईडी। आपने अगर देखा होगा तो हमने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T1। T1 क्या था? T1 एक आईडी थी हमारे टेक्स्ट बॉक्स की, जो हमने अपने HTML में लिखी थी, क्योंकि आपको पता है हर HTML फॉर्म टैग के साथ हमें एक आईडी देनी होती है जिसके माध्यम से हम उसको एक्सेस कर सकें। तो T1, T2 और T3 ये तीन अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस की आईडी थी। अब मुझे उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक वेरिएबल को देनी है, तो मैं उस वैल्यू को कैसे लूँ? तो उस वैल्यू को लेने के लिए मैंने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट क्या है? पूरा HTML। उस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे आईडी पता है T1, तो उस T1 की जो वैल्यू है या उस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो मुझे उठानी है। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो आईडी से उस एलिमेंट को सर्च करता है और उसकी मदद से फिर वो वैल्यू को रिट्रीव करके एक दूसरे वेरिएबल को असाइन करता है। तो इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग HTML पेज के अलग अलग माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग के लिए कई बार बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्र में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हम लोग किस तरह से अपने वेब पेजेस को इफेक्टिव बनाते हैं। बेसिक जावास्क्रिप्ट एलिमेंट के साथ साथ जब हम लोग एरे, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हम कई सुविधाएं अपने वेब पेज के अंदर बढ़ा सकते हैं और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अगले सत्र में हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न वेब प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक प्रोग्रामर को फॉलो करनी चाहिए और जिसकी मदद से वो एक अच्छा वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है। धन्यवाद।